अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पिशावरी आइसक्रीम। उसके लिए हमने लिया है 3 कप दूध, 2 कप व्हिप क्रीम और 1/2 कप चीनी। सबसे पहले एक पॉट लेंगे, उसके अंदर दूध को शामिल कर देंगे। दूध को हमें मीडियम लो पे इतना पकाना है कि उसमें उबाल आ जाए। देखिए थोड़े थोड़े बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं और दूध उबलने के करीब आ गया है। दूध ऊपर आने लगा, इसका मतलब ये उबल चुका है। इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे और चम्मच को चलाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता ताकि शक्कर अच्छी तरह इसमें हल हो जाए। शक्कर हल करने के बाद इसका चूल्हा हम बिल्कुल बंद कर देंगे और उसके अंदर ठंडी ठंडी क्रीम शामिल कर देंगे। मिक्सचर हमारा तैयार है, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। किसी भी एयर टाइट बर्तन में, शीशे का हो, प्लास्टिक का हो, एल्यूमिनियम का हो, उसमें डालकर और उसको कवर करके फ्रीजर में रख देंगे कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए। और बेहतरीन रिजल्ट के लिए है कि इसके ऊपर हम एल्यूमिनियम फॉइल या क्लिंग फिल्म लगा दें ताकि क्रिस्टलाइजेशन ना हो और हम इसका कवर बंद कर देंगे। फ्रीजर में रख दें, आप 12 घंटे हो गए, निकाल के चेक करते हैं। अब इसका हमारा अगला प्रोसीजर ये है कि इसके हम पीसेस करेंगे। पहले इसको हम ग्राइंडर में, चॉपर में, किसी भी चीज़ में इसको ग्राइंड करेंगे या हैंड ब्लेंडर किसी से भी आप कर सकते हैं। मैंने चॉपर यूज़ किया है। बस एक दो बार चलाने के बाद दोबारा इसको जमने के लिए रख दें। घंटे हो गए हैं, मैं दोबारा निकाल के देखते हैं इसको। आइसक्रीम हमारी बिल्कुल तैयार है, इसको अब हम खुद भी खाएंगे और मेहमानों को भी सर्व करेंगे। मज़ेदार पिशावरी आइसक्रीम तैयार है। कि सिर्फ तीन चीज़ों से मज़ेदार आइसक्रीम बन गई और सस्ती भी और अच्छी भी, और अपने हाथ की बनी हुई चीज़ खाने में अलग ही मज़ा है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।